मूवी की शुरुआत में एसआई आनंद चिंगवनम पुलिस स्टेशन एसपी से मिलने पहुंचता है। वह पिछले 7-8 महीनों से एक केस की वजह से सस्पेंड चल रहा होता है। वह 7-8 महीने पहले के समय में हुए घटना के बारे में सोचता है, जब वह कोट्टायम में नया एसआई बनके पहुंचा था। वह इलाके में चार्ज लेने के बाद कई समस्याओं को दूर करते हुए दिखता है। वह अपराधियों से सख्ती से निपटता है। एक दिन उसे एक लवली नाम की लड़की के मिसिंग का मामला मिलता है। लवली के पिता मथन बताते हैं कि उनकी बेटी बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। जब वह कॉलेज से नहीं लौटी तब उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा, पर किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आनंद अपनी टीम और लड़की के पिता मथन के साथ बस स्टॉप पर जाते हैं, जहां लवली बस से रोजाना आती जाती थी। वहां एक चाय की शॉप होती है। शॉपकीपर बताता है कि लड़की उस दिन बस से उतरी और मुझसे थोड़ी बात भी की, फिर वो अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़ गई। पुलिस के पूछने पर शॉपकीपर बताता है पास के घर के दो लड़कों ने उसका पीछा भी किया था। पुलिस उन लड़कों के किराए के मकान पर पहुंचती है। दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है तो वे बताते हैं कि हमने उसका पीछा किया और उसे छेड़ा भी, पर हमने देखा कि पास से ही एक मछली वाला गुजर रहा था तो हमने उसे छोड़ दिया और वह चली गई। आनंद अपनी टीम से कहता है कि लड़की बस स्टॉप पर उतरी और आधे रास्ते उसका पीछा भी हुआ। अब ये सिर्फ मिसिंग का मामला नहीं, कुछ तो बात जरूर है। उस एरिया में और किन किन लोगों के घर हैं, सबसे पूछताछ करनी होगी। उस क्षेत्र के कुएं, तालाब सभी की जांच करनी होगी। अगले दिन आनंद की टीम लवली के घर के लोगों से पूछताछ करती है। वहां आनंद को पता चलता है कि वह प्रायोरी ज्वाइन करना चाहती थी और नन बनना चाहती थी। लवली के पिता बताते हैं कि पास में ही एक मॉनेस्ट्री है जहां कुछ पादरी रहते हैं। इस समय मॉनेस्ट्री में फादर थॉमस रहते हैं। आनंद वहां जाने के लिए कहता है पर उसका साथी मना करता है कि यहां चर्च में दो समुदायों के बीच विवाद चल रहा है, वहां जाना ठीक नहीं होगा। आनंद परवाह नहीं करता और मॉनेस्ट्री जाता है, जहां पब्लिक इकट्ठा होकर पुलिस से झड़प करती है। तभी वहां सीआई आता है और आनंद को डांटता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि कुएं से एक लाश मिली है। तभी वहां पहुंचते हैं। बोरी से बाहर निकालने पर पता चलता है कि लाश लवली की ही है। लवली के पिता ये देखकर रोते हैं। पुलिस सीआई लड़कों की पिटाई करते हैं और पूछताछ करते हैं, पर उन लड़कों को कुछ भी पता नहीं होता। आनंद अपने सीनियर को बताता है कि मछली वाले के बयान के आधार पर तय है कि इन लड़कों ने हत्या नहीं की, पर आनंद का सीनियर उसे डांटता है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये केस एसपी देखेंगे। डीवाईएसपी सीआई से कहते हैं कि दोनों लड़के मेरे पहचान के हैं और दोनों पैसे वाले हैं, उन्हें छोड़ना होगा और मामला गंभीर है, दो समुदाय भी आपस में भिड़ जाएंगे, इसलिए किसी पुराने अपराधी को ही हत्यारा बनाकर पेश कर दिया जाएगा। अगले सीन में आनंद डीवाईएसपी से मिलकर मैप के माध्यम से बताता है कि हत्या जहां लाश मिली वहीं कहीं पास भी ही हुई होगी, क्योंकि अगर लड़कों को हत्यारा माने तो ये गलत होगा, क्योंकि जहां से लाश मिली है वो इनके किराए के घर से 500 मीटर दूर है, जबकि इनके घर के पास 200 मीटर पर ही एक कुआं है। ये लाश को वहां फेंक सकते थे, 500 मीटर दूर जाने का सवाल ही नहीं। कोई भी इतना वजन ले के दिन हो या रात इतनी दूरी तय करने में कोई ना कोई इन्हें देख लेता, फिर ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे। आनंद बताता है कि जहां से लाश मिली वहां से मॉनेस्ट्री 100 मीटर ही दूर है। लवली की बहन ने बताया था कि लवली मॉनेस्ट्री में फादर थॉमस से मिलने जाती थी, अगर हम फादर से पता करें तो कुछ पता चलेगा। ये सुनकर डीवाईएसपी आनंद को डांट लगाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो इलाके में तनाव बढ़ जाएगा और तुम ज्यादा चालाक मत बनो। अगले सीन में पुलिस स्निफर डॉग का इस्तेमाल करती है। पुलिस आसपास के इलाके में डॉग द्वारा एक कपड़ा पाती है जो पुलिस ने ही रखा होता है। ये पुलिस की चाल होती है। वह अपराधी सहदेवन के घर जाते हैं। सहदेवन एक पूर्व अपराधी होता है जो अब सुधर चुका होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। आनंद खुद को असहाय महसूस करता है क्योंकि उसे पता होता है कि सहदेवन निर्दोष है और उसे उसके सीनियर फंसा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस सहदेवन की पिटाई करती है। सहदेवन कहता है कि वो निर्दोष है। अगले दिन आनंद लवली के अंतिम संस्कार में जाता है। रात में लवली के पिता आनंद से मिलकर बताते हैं कि सहदेवन ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर विश्वास है। उनके साथ का व्यक्ति बताता है कि वो बस कंडक्टर है, उसने घटना के दिन लवली को मॉनेस्ट्री में जाते हुए देखा था। आनंद अपनी टीम के साथ मिलकर केस को अनऑफिशियली जांच का मन बनाता है। वह अगले दिन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलता है। रात को मॉनेस्ट्री में एक चोर चोरी करता है जिसे फादर थॉमस पकड़ना चाहते हैं, पर वह फरार हो जाता है। अगले दिन लोगों को पता चलता है कि मॉनेस्ट्री में चोरी हुई है, इसलिए पुलिस आई हुई है। वह उसका विरोध नहीं करते। आनंद फादर से मिलकर बताता है कि ये चोर पकड़ा गया जिसने मॉनेस्ट्री में चोरी की थी और हमें मॉनेस्ट्री की फॉरेंसिक जांच करनी होगी। फादर मना नहीं कर पाते। आनंद मुस्कुराता है क्योंकि ये उसकी चाल थी ताकि वो सबूत हासिल कर सके। फॉरेंसिक टीम सैंपल इकट्ठा करती है। अगले सीन में आनंद एसपी से मिलकर बताता है कि मुझे पता है
कि मैंने जो किया वो गलत है और ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन लवली मर्डर केस में हमें मोनेस्ट्री से अहम सबूत मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि रसोई की दीवारों से स्किन टिश्यू व बाल के टुकड़े मिले हैं जो लवली के हैं। ये तय है कि हत्या मोनेस्ट्री में ही हुई है। हमें कुछ और भी मिला है। एसपी के कहने पर आनंद मोनेस्ट्री जाता है और फादर को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। अगले सीन में कमिश्नर और एसपी एक साथ आते हैं। कमिश्नर पूछते हैं कि कातिल ने जुर्म कबूल कर लिया। एसपी बताते हैं कि हाँ। तभी देखने को मिलता है कि कातिल लवली की बड़ी बहन ब्लेसी है। एसपी बताते हैं कि इसे हमने बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज से हिरासत में लिया है। कमिश्नर के पूछने पर आनंद बताता है कि हमें शुरुआती जांच में मोनेस्ट्री से लवली के हेयर सैंपल के अलावा एक दूसरी लड़की और एक लड़के के हेयर सैंपल मिले। इसके अलावा जहाँ लाश को छिपाया था वहाँ से भी हेयर सैंपल मिले। शुरुआती जांच में हमने कई लोगों के हेयर सैंपल लिए पर केवल लवली की बड़ी बहन का ही हेयर सैंपल मोनेस्ट्री और कुएं के पास से जहां लाश को रखा गया था वहां से मिले। इसके बाल कलर किए हुए हैं और पूरे इलाके में सिर्फ इसी लड़की के बाल रंगे हुए हैं। हमें इसके हेयर सैंपल इसके घर के बाहर से भी प्राप्त हुए थे। एसपी बताते हैं कि इतना काफी नहीं था। जांच में पता चला कि लवली की हत्या से एक दिन पहले मोनेस्ट्री में एक गेस्ट आया था, फादर थॉमस का भांजा डैनियल, जो पादरी बनने का इंतजार कर रहा था। वो अक्सर छुट्टियों में मोनेस्ट्री आता था। अगले दिन फादर मोनेस्ट्री से काउंसिल मीटिंग के लिए चले गए। डैनियल मोनेस्ट्री में अकेला था। आगे ब्लेसी ने बयान में बताया कि उस दिन ब्लेसी और डैनियल साथ में थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी वहां घटना के दिन लवली पहुंच गई और उसने डैनियल और ब्लेसी को एक साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने दोनों से कहा कि वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताएगी। दोनों लवली को मनाने के लिए रूम में लेकर गए। तभी घर के बाहर एक पोस्टमैन आया। डैनियल ने लवली के मुंह को हाथ से दबाए रखा कि वो शोर ना करे। इधर ब्लेसी ये देख रही थी कि पोस्टमैन चला जाए। थोड़ा समय लगा। इस बीच दम घुटने से लवली मारी गई। ब्लेसी और डैनियल ये देखकर डर गए। फिर उन्होंने डेड बॉडी को वहीं रसोई में रहने दिया। ब्लेसी घर खाना खाने पहुंची, जहां उसके माता पिता लवली के बारे में चिंता कर रहे थे कि वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई। ब्लेसी रात को मोनेस्ट्री पहुंची। डैनियल और ब्लेसी ने शव को बोरे में डाल दिया। डैनियल लाश को लेकर पास के कुएं के पास पहुंचा, जहां उसने बोरी को घसीट के झाड़ियों में रखा। कुएं के पास ही सहदेवन का परिवार रहता था। दोनों ने इंतजार किया कि सहदेवन का परिवार सो जाए तो वह लाश को कुएं में फेंकेंगे। डैनियल ने ब्लेसी को भेज दिया और लाश को कुएं में फेंका। अगले सीन में पुलिस डैनियल को गिरफ्तार कर लेती है। डैनियल पुलिस लॉकअप में होता है और गहरी सोच में डूबा रहता है, जिसे आनंद गौर से देखता है। अगले दिन आनंद और उसकी टीम डैनियल को कोर्ट लेकर जाती है, मगर डैनियल हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। आनंद की टीम उसे पकड़ना चाहती है लेकिन वह पकड़ में नहीं आता। तभी डैनियल आ रही ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और मारा जाता है। आनंद और उसके साथी पुलिस वाले बस देखते रह जाते हैं। इस घटना की वजह से आनंद और उसके तीन साथियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां आनंद 7 महीने के सस्पेंशन के बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा होता है। वह एसपी से मिलता है। एसपी बताते हैं कि मुझे काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी तुम्हारी और तुम्हारी टीम के तीन लोगों के सस्पेंशन को हटवाने में। मैं तुम्हें एक केस फाइल दे रहा हूं। ये एक महिला श्रीदेवी का मर्डर केस है, जो चिरुवल्ली कोट्टयम में 6 साल पहले हुई थी। तुम अपनी टीम के साथ उस क्षेत्र में जाओ। वहाँ की लोकल पुलिस, सीबीआई और एसआईटी ने इस मामले की जांच की, लेकिन वह हत्यारे को नहीं पकड़ सके। तुम बस नाम मात्र के लिए वहाँ जाओ, एक रिपोर्ट दो, ताकि हम इस केस फाइल को बंद कर सकें। अगर तुम इस केस को सुलझा लेते हो तो तुम्हारी इमेज सुधर सकती है। तुम और तुम्हारी टीम के तीन लोगों को वहाँ जाना होगा। बेस्ट ऑफ लक। आनंद अपनी टीम के साथ इस बारे में बात करता है। फिर वह चिरुवल्ली जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उस क्षेत्र का प्रेसिडेंट लोगों से कहता है कि श्रीदेवी मर्डर केस में पुलिस सीबीआई ने हमें बहुत परेशान किया, हमारे नौजवान लड़कों को और क्षेत्र के लोगों को पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया। अब वो फिर से एक टीम भेज रहे हैं, हम उन्हें यहाँ जांच नहीं करने देंगे। गाँव के सरपंच सदानंदन भी पुलिस के आने की बात का विरोध जताते हैं। ये सब बातें आनंद और उसकी टीम सुनती है। फिर वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रविंद्र नैयर के घर पहुंचते हैं, जो बताते हैं कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। वे बताते हैं कि 6 साल पहले जब श्रीदेवी की हत्या हुई, तब मैं लोकल पुलिस, सीबीआई और एसआईटी सभी टीमों का हिस्सा था, इसलिए इलाके के लोग मुझसे नाराज रहते हैं। वैसे मैं अभी भी आपकी मदद करूंगा। रिटायरमेंट के बाद भी मैं अंदर से एक पुलिस वाला ही तो हूँ। अगले दिन प्रेसिडेंट गांव के लोगों के साथ मिलकर रविंद्र और पुलिस वालों से झड़प करता है। आनंद कहता है कि आपको पहले की तरह परेशान नहीं किया जाएगा, मैं बस नाम मात्र की जांच करके केस को बंद करने आया हूँ। ये सुनकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रविंद्र बताता है
कि रेवामा गांव की इकलौती दर्जी है, वो श्रीदेवी की माँ है। रेवामा को जॉर्ज नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया था, फिर भी पॉडियन नाम के व्यक्ति ने रेवामा से शादी की, पर कुछ साल बाद उसने रेवामा को छोड़ दिया। पुलिस ने पोडियन को रेवामा के घर से दूर रहने को कहा। तब से रेवामा ने सिलाई करके गुजारा किया और अपनी बेटी श्रीदेवी का पालन पोषण किया। पोडियन भी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। श्रीदेवी नॉवल पढ़ने की शौकीन थी, उसे सेतु नाम का लड़का प्यार करता था, पर श्रीदेवी को प्यार में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे श्रीदेवी की सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि वह अपनी माँ की तरह गलती नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमें श्रीदेवी का लेटर मिला जो उसने अपनी माँ को लिखा था, जिसमें उसने घटना के दिन लिखा था कि वो किसी लड़की के प्यार में है और घर छोड़कर उसके साथ जा रही है। अगले दिन उसकी लाश मिली। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। लाश पहले गोविंदन ने देखी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के नाम पर उसकी पिटाई की। सेतु को भी पकड़कर पुलिस ने पिटाई की। जांच में पता चला कि श्रीदेवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस की ज्यादती देख के लोगों ने कम्प्लेन की, फिर केस CBI को मिला। श्रीदेवी के प्रेमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, पर कुछ पता नहीं चला। फिर हमने गोविंदन से पूछताछ का सोचा। मैंने रात को गोविंदन को बताया कि सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, लेकिन अगली सुबह गोविंदन ने पुलिस टॉर्चर के डर से खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों ने होम मिनिस्टर को पिटीशन भेजा, फिर यहां SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई, मुझे इंचार्ज बनाया गया। श्रीदेवी के संपर्क के सभी लोगों से पूछताछ का निर्णय लिया गया। गांव के एक व्यक्ति प्रगांडन को हिरासत में लिया गया, जो अक्सर गांव की महिलाओं को छेड़ता था। SIT की पूछताछ में उसके जवाब उलझे हुए थे। हमें लगा कि वो कातिल है। चीजों को अच्छे से समझने के लिए उसका फर्टिलिटी टेस्ट हुआ, जिसमें पता चला कि वो बाप ही नहीं बन सकता। इसके साथ SIT की जांच रुक गई। ये बताकर रविंद्रन वहां से जाने लगते हैं। आनंद उन्हें रोकता है और पूछता है कि उसे जांच करनी चाहिए कि नहीं। इस पर रविंद्र कहते हैं कि आपकी मर्जी। अगले दिन आनंद श्रीदेवी की माँ से पूछताछ करता है और उसके घर से श्रीदेवी की नॉवेल जांच के लिए ले जाता है। नॉवेल से उन्हें लेखा के नाम का एक खत मिलता है। वह लेखा के यहाँ जाते हैं। लेखा बताती है कि मैं जब कल्याण मुंबई में थी, तब मैंने श्रीदेवी से खत के माध्यम से बात की थी। आनंद कहता है कि श्रीदेवी की माँ ने बताया कि तुम्हारे अलावा भी कोई श्रीदेवी को खत लिखता था। लेखा बताती है कि श्रीदेवी ने एक बार पूछा था कि क्या हिंदी सीखना आसान है, क्या केरला के बाहर उसे नौकरी मिल सकती है। आनंद अपने साथी से कहता है कि लग रहा है कि श्रीदेवी का प्रेमी केरला के बाहर रहता होगा, तभी वह हिंदी सीखना चाहती थी। हमें गांव के प्रेसिडेंट से मिलकर पता करना होगा कि केरला से बाहर कौन कौन से हिंदी भाषी क्षेत्र में गए हैं। वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं, जो बताता है कि तुम्हें 6 साल पहले 1988 की फाइल चाहिए कि कौन कौन इस क्षेत्र से बाहर गया, पर मैं फाइल नहीं दूंगा। आनंद वहां से चला जाता है। आनंद और उसकी टीम चपरासी को शराब पिलाकर फाइल निकलवाना चाहती है। चपरासी फाइल लाने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में आनंद SIT टीम के मेंबर से मिलता है, जो बताते हैं कि श्रीदेवी का प्रेमी तिरुवल्ली का था, जो बाहर काम करता था। वह उसे खत लिखता था। इसका पता मुझे वहां के पोस्टमैन चंद्रन से चला, लेकिन श्रीदेवी की मौत के कुछ समय बाद चंद्रन का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया। अगले सीन में आनंद अपनी टीम को बताता है कि ये वो एनवलप है जिसमें लेखा ने श्रीदेवी को खत भेजा था। इसमें फ्रॉम एड्रेस है लेखा कल्याण बॉम्बे, लेकिन पोस्ट गुड़गांव हरियाणा से है। वो इसका पता करने लेखा के पास जाते हैं। लेखा बताती कि ये खत मैंने नहीं लिखा, कोई मेरे नाम से हरियाणा से श्रीदेवी को भेज रहा होगा। अगले दिन चपरासी आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट ने फाइल अपने घर पे रखा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आनंद उसे जाने देता है। आनंद कहता है मुझे आज ही वो फाइल चाहिए। रात को आनंद प्रेसिडेंट के घर में चोरी से फाइल लेने जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट आनंद को पकड़ लेता है। तभी आनंद चालाकी से प्रेसिडेंट पर चाकू रख देता है और कहता है कि किसी को बताया कि मैंने फाइल ली है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रेसिडेंट डर जाता है और कहता है ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। आनंद घर पर आकर फाइल देखकर अपने साथियों को बताता है कि गांव के सरपंच का बेटा विष्णु गुड़गांव हरियाणा में प्राइवेट फर्म में काम करता है। ये सदानंदन का बेटा विष्णु घटना से पहले यहाँ गांव आया था। विष्णु फरवरी में आया था। श्रीदेवी की मौत मई में हुई और वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। केस काफी कुछ साफ है। अगले सीन में आनंद चंद्रन पोस्टमैन से मिलता है, जो आनंद को बताते हैं कि मुझे सब कुछ याद है। आनंद चंद्रन को खत दिखाकर बात करता है। प्रेसिडेंट आनंद से मिलता है तो आनंद बताता है कि केस क्लोज हो रहा है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाना। अगले दिन सदानंदन पहुंचते हैं। आनंद कहता है कि मुझे पता है कि कातिल कौन है। कातिल लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति है। उसके पास खोने को बहुत कुछ है। उसका एक बेटा है और वह उस लड़की का प्रेमी था। वह ये भी जानता था, हमने उससे बात की। ये सुनिए। ये कहकर आनंद
टेप रिकॉर्डर ऑन करता है जिसमें आवाज आती है कि मैं श्रीदेवी को बचपन से जानता था, मैं उसे पसंद करता था, बाकियों की तरह मैंने कभी उसका पीछा नहीं किया, पर माँ बाप के डर से किसी को नहीं बताया। श्रीदेवी के कत्ल से एक वर्ष पहले मैं गांव में एक सफाई अभियान में गया जहां श्रीदेवी से मुलाकात हो गई। अभियान 2 दिन चला, वहां ज्यादातर नौजवान थे। हमारा रिश्ता वहीं से शुरू हो गया। मुझे पता था कि गांव में उसके साथ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने केरला के बाहर नौकरी ढूंढी ताकि उसे बाद में लेकर जाऊंगा। जल्द ही मुझे नौकरी मिल गई। हमने खतों के जरिए बात की। 8 महीने बाद मैं मेले में शामिल होने के लिए गांव आया। उस रात में हम एक दूसरे से मिले और सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव से आने के 2 महीने बाद श्रीदेवी का खत मिला कि शायद वो प्रेग्नेंट है। मैं घबरा गया और उसे गांव से बाहर कुल्लू मुला चर्च बुलाया ताकि उससे शादी कर सकूं और उसे अपने साथ लेकर जा सकूं। मैं और मेरा दोस्त लाल 20 मई 1988 को कोट्टायम में एक लॉज में रुके और चर्च के बाहर पूरी रात उसका इंतजार किया, पर वह नहीं आई। अगले दिन लाल को मैंने गांव भेजा तो मुझे पता चला कि श्रीदेवी का कत्ल हो गया है। मैं श्रीदेवी को देखना चाहता था पर लाल ने मना कर दिया। फिर पता चला कि पुलिस श्रीदेवी के प्रेमी को ढूंढ रही है। फिर मैंने डर की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई। ये सब सुनने के बाद सदानंदन को पीने को पानी दिया जाता है। वो पानी पीकर निराश होकर वहाँ बैठे रहते हैं। आनंद कहता है कि वो सही कह रहा है। पोस्टमैन चंद्रन ने बहुत कुछ बताया, ये भी कि उसने तुम्हें बिना मुहर वाले खत भी दिए। हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये हत्या एक पिता ने अपना सम्मान बचाने के लिए किया, जो नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक छोटी जाति और गरीब परिवार की लड़की से शादी करे। यही बात है ना? ये कहकर आनंद सदानंद को जाने को कहता है। अपनी टीम के पूछने पर आनंद कहता है कि हमें किसी को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं है, हम बड़े ऑफिसर्स को रिपोर्ट करेंगे। अगले दिन एसपी आते हैं जो कहते हैं अब हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तभी वो देखते हैं कि काफी गाड़ियां गांव के बाहर हिल पर जा रही हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। तभी दौड़कर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूर्व पुलिसकर्मी रविंद्र नायर ने आत्महत्या कर ली है। उन्हें एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, एसपी सर, आपने जो नई टीम भेजी उन्होंने मेरी सारी सोच बदल के ही रख दी। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे सब कुछ बता दिया, जैसे वो मेरा चेहरा पढ़ रहे हूँ। मैंने टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनी। ये सदानंदन के बेटे विष्णु की नहीं बल्कि मेरे बेटे सुदीप की आवाज थी। वो श्रीदेवी का प्रेमी था। चंद्रन ने मुझे लेटर दिया और कहा कि कौन है जो बार बार आपके बेटे को खत दे रहा है। मैंने चालाकी से श्रीदेवी का लिखा खत पढ़ा कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मैंने उसे पढ़कर दोबारा चिपकाकर पोस्टमैन को दे दिया। मैं ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने चालाकी से पोस्टमैन को श्रीदेवी के लिखे खत मुझे देने को कहा और उसे डराया। चंद्रन ने मुझे खत दिए जो मेरे बेटे ने श्रीदेवी को लिखा था कि मुझसे 20 मई को रात में चर्च के पास मिलो, हम शादी कर लेंगे। 20 मई की रात मैंने श्रीदेवी पर हमला करके उसे अपनी बेटी की जिंदगी से दूर कर दिया। फिर जांच का हिस्सा होने से मैंने हर संभव कोशिश को नाकाम कर दिया जिससे पता चले कि मेरा बेटा ही श्रीदेवी का प्रेमी है। चंद्रन के कोमा में जाने से मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, पर आनंद सर और उनकी टीम ने मुझे झूठा साबित कर दिया, इसलिए मेरा आखिरी सलाम उनके लिए। आनंद एसपी से बताता है कि रविंद्र ने हमें पोस्टमैन चंद्रन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ये बात मुझे एसआईटी के ऑफिसर से पता चली। चंद्रन ने मुझे सब कुछ बताया। फाइल लेते समय मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट को रविंद्र ने ही हमारे आने की खबर दी और हमारा विरोध करने को कहा था। फिर मैंने देखा कि सदानंदन के बेटे के साथ रविंद्र का बेटा सुदीप हरियाणा में काम करता था। उसे सदानंदन के बेटे विष्णु ने ही काम पर लगवाया था। श्रीदेवी की हत्या से 3 महीने पहले फरवरी में मेले में दोनों एक साथ ही गांव आए थे। मैंने विष्णु के माध्यम से सुदीप से बात की और उसने सारी बात बताई जिसे मैंने रिकॉर्ड किया। मैं सदानंदन के पास गया और उसे बताया कि हम तुम्हें डमी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, हम तुम्हें अपराधी दिखाएंगे, पर हमारा टारगेट रविंद्र को उसके अपराध का बोध कराना होगा जो पुलिस के तौर पर 30 वर्षों तक कार्य कर चुका है, पर मुझे पता नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेगा। एसपी पूरी बात सुनने के बाद आनंद की तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।